मेरी कहानी कहानी संग्रह आने वाला है जिसका नाम है सूरज कितना कम। तो 6-7 लंबी कहानियां हैं उसमें और मेरी मतलब बहुत कुछ कॉमन है सब कहानियों में, लेकिन शायद मेरी कोशिश है कि सब अलग तरह की कहानियां हैं। एक कहानी है ब्लू फिल्म। ज़्यादा कहानियों में कस्बाई कहानियां हैं और जो मुझे जो चीज़ें परेशान करती रही हैं अलग अलग लेवल पे, जब मैं शहर में रहा, सिर्फ पर्सनली परेशान नहीं और लोगों को भी मैंने देखा जिन चीज़ों से परेशान होते हुए और जिनको महसूस किया। तो और मेरी कोशिश ये रही कि मैं दिलचस्प ढंग से उन पे बात कर सकूं। मतलब मैं आपको मैं बिना बोझिल हुए अपनी कहानियां कह सकूं, मेरी ये कोशिश रही है सब कहानियों में। और सब अलग अलग तरह की एक कहानी है यहाँ वहाँ कहाँ, जो एक ऐसे परिवार के बारे में है जो माइग्रेट होके आया है एक जगह से दूसरे जगह पे। और ये कहानी कहीं की नहीं है, मतलब कहानी अपना लोकेल नहीं बताती है। और जो उस कहानी के बीच में एक प्रेम कहानी है और कैसे उसका अंत होता है, कैसे पड़ोसी आपसे व्यवहार करते हैं, कैसे आपका शहर, कैसे सब कुछ, वो कहानी है। और जो मैंने बताया एक कहानी है ब्लू फिल्म, वो कहानी एक लड़के के बारे में है जो एक विवाहित औरत से प्यार करता है और कैसे उसके पास नौकरी नहीं है, उसके परिवार के पास पैसा नहीं है और कैसे वो अपनी प्रेमिका का एक इंटीमेट वीडियो बनाता है और फिर क्या होता है। और एक कहानी जिसपे हिंदी साहित्य के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्ट भी किया, जिसकी वजह से मेरी किताब एक जगह से आने वाली थी वो प्रकाशित नहीं हो पाई। मुझे ज्ञानपीठ का नवलेखन अवार्ड मिला था लेकिन वो मैंने लौटा दिया उसके विरोध में। वो कहानी एक 11वीं क्लास में पढ़ने वाले भाई बहन की कहानी है एक कस्बे में, इसका नाम है 11वीं ए के लड़के। तो सेक्स के बारे में और जो टीनेजर्स के अंदर हमारे यहाँ जो जिस तरह से अकेला छोड़ा जा रहा है उन्हें उनके परिवारों द्वारा, या जो भी फ्रस्ट्रेशन है उनके अंदर या गुस्सा है या जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उनका कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा दिमाग का या नर्चरिंग नहीं हो रही है उनकी, तो उनके एंगल से मैंने क्रूअल कहानी लिखने की कोशिश की, जिसमें जो कि सीधे सीधे एम्पेथाइज नहीं करती है विक्टिम के साथ कहीं भी, और जिसका प्रोटैगनिस्ट एक तरह से विलेन आप ट्रेडिशनल उसमें कह सकते हैं उसको, लेकिन लोगों को लगा कि लोगों को उसी क्रुएलिटी से प्रॉब्लम हुई, लेकिन मुझे लगता है कि उसको शायद उस कहानी को बार बार पढ़ा जाए तो आपको दिख सकती हैं लेयर्स। तो कहानियाँ अलग अलग तरह से शुरू होती हैं, कुछ कहानियाँ पर्सनल मेमोरीज से शुरू होती हैं कि अचानक कोई बचपन की याद आपको आई 10-15 साल पहले और एक मोमेंट याद आया आपको, एक इमेज याद आई। मेरी कहानियाँ अक्सर मेरे लिए इमेज से शुरू होती हैं, एक इमेज है कि एक बच्चा एक बच्ची के साथ दूध का बर्तन लेकर जा रहा है गांव में स्कूल के दरवाजे के आगे से, तो उस इमेज से कहानी शुरू हुई और वो बहुत सारी जगह चली गई। मेरी कहानियाँ अक्सर बहुत सारे कैरेक्टर्स की कहानियाँ होती हैं, बहुत अलग अलग तरह की, एक ही कहानी में हो सकता है बहुत तरह की घटनाएं हो, जहाँ से कहानी शुरू हो उससे कहानी बहुत अलग चली जाए। तो कहानियाँ शुरू इस तरह होती हैं, उसके बीच में वो न्यूज़ क्लिपिंग्स जो छोटी जिनको बहुत कम, जो रेगुलर न्यूज़ हो गई है हमारे लिए, जिनको हम कम प्रायोरिटी देते हैं अखबारों में भी, मुझे उन्हें पढ़ने में ज़्यादा दिलचस्पी रहती है। या कोई क्राइम हुआ है किसी के साथ तो मैं सोचता हूँ कि जो क्रिमिनल होगा वो सुबह उठा होगा, उसने क्या खाया पिया होगा, क्या सोचा होगा, यहाँ से लौटने के बाद क्या किया होगा, या जिसके साथ हुआ है वो उससे 3 घंटे पहले क्या सोच रहा होगा, पूरी ज़िंदगी के सपने देख रहा होगा या कुछ भी। तो उससे पहले और बाद की चीज़ें मैं बहुत सोचता हूँ उन चीज़ों के बारे में और फिर मैं चाहता हूँ कि मैं लिखूँ।
और अक्सर प्लान नहीं होता मेरा लिखना, लिखने से पहले मुझे नहीं पता होता है कि मैं ठीक ठीक क्या लिखने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ स्ट्रक्चर बना लिया है, पूरा प्लॉट सोच लिया है। अगर कभी कभी थोड़ा आगे का प्लॉट सोच लेता हूँ तो लिखते लिखते मैं उसे बदल देता हूँ, क्योंकि मुझे खुद को बहुत इंटरेस्टिंग चाहिए, क्योंकि उस प्रोसेस में कहानी जब कही जा रही हो तो मुझे भी अनजान चीज़ जानने का मज़ा आ रहा हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद को चौंकाता रहूँ, खुद को नई नई बातें बताता रहूँ। तो उस प्रोसेस में सारी कहानियाँ निकलती हैं, और कभी कभी वो एक्सपीरियंस से शुरू होती हैं, कभी किसी ऑब्जर्वेशन से, कभी कभी सिर्फ इमेज से। तो पहली बात तो ये कि जो खुद को सरप्राइज़ करने वाली चीज़ है वो डायरेक्ट इस तरह से नहीं है कि सिर्फ सरप्राइज़ करना है। उसकी प्रोसेस ये है कि कहानी जब मैं कह रहा हूँ सरप्राइज़ करने का मतलब है कि मैं खुद को खुद की रेंज से बाहर जाके कुछ कहूँ। मान लीजिए कहानी में मैंने एक तरह के करेक्टर के साथ कुछ किया है, इंसिडेंट कोई है, तो मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं उस करेक्टर के लिए ईमानदार बने रहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि करेक्टर अपनी रेंज से बाहर जाए। और प्रोसेस है, मेरी कहानियाँ ज़्यादा करेक्टर ड्रिवन होती हैं। मतलब कोई करेक्टर है जो मुझे भाग गया है, जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, तो मैं उस करेक्टर को लेके जाता हूँ। अगर वो किसी सिचुएशन में पड़ रहा है, जिस सिचुएशन पे मैं लिख रहा हूँ, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो यहीं आपका दूसरा सवाल आता है कि क्या वो सिर्फ इमेजिनेशन है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इमेजिनेशन कुछ हो सकता है। वो सब हमारा ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस है, मेमोरीज हैं। तो उस तरह के कैरेक्टर्स को हमने कहीं देखा होगा, या कहीं ना कहीं हम सिंक करते हैं कि वो फला आदमी, कोई कोई चेहरा रहता है अक्सर दिमाग में, ये दो तीन चार चेहरों का मिक्सचर रहता है आपका जो कैरेक्टर रहता है। तो आप सोचते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, ये कोई और आदमी कैसे रिएक्ट करेगा, और वो क्या 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 एक्शन लेगा, किस तरफ जाएगा, उसकी सोच क्या होगी। लेकिन इस दौरान मैं चाहता हूँ कि मैं खुद को इम्पोज ना करूँ। कोशिश करता हूँ, हो सकता है कई बार हो जाता है कि लेखक खुद भी आ जाता है उसमें, कि खुद को इम्पोज ना करूँ और कोई मोरालिटी ना थोपूँ अपने कैरेक्टर्स पे कि ये सही है ये गलत है, मैं उन्हें ना बताऊँ। वो जो है वो उन्हें करने दूँ, और फिर जो पढ़ने वाला है वो अपनी मोरालिटी, अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से उनके एक्शंस को डिसाइड करें। पढ़ता था बचपन से ही, और करीब मैं 16-17 साल का था तब मैंने कविता लिखना शुरू किया। मेरी बड़ी बहन कविता लिखती थी, तो मुझे लगा कि उससे बहुत, मतलब मुझे लगता है 14-15 साल की उम्र तक मैंने कभी सोचा नहीं था लिखने के बारे में। मुझे मतलब ये नहीं पता था, लिखना एक लिखने जैसा काम जैसा लगता था, ऐसा नहीं लगता था कि कुछ एक्सप्रेस करना है, कुछ कहा जा सकता है। तो एक, लेकिन मैं कम बोलता था शुरू से, उदास ज़्यादा रहता था मुझे लगता है। तो एक एक्सप्रेशन, मुझे एहसास हुआ अचानक कि कुछ कहा जा सकता है शायद लिख के, तो मैं कविताएं लिखने लगा ऐसे ही डायरी में। कुछ रुक रुक के कविताएं लिखी, फिर कॉलेज में लिखने लगा। तो खुद को मैं एक्सप्लोर करता गया ज़्यादा से ज़्यादा, और धीरे धीरे अब मुझको रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ें मैं खुद से भी नहीं कहता हूँ, जिनके बारे में मैं खुद से भी बात नहीं करता हूँ, उनको मैं कविता या कहानी में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो वो जो एक्सप्रेशन की ज़रूरत थी, जो बेचैनी अंदर थी, वो बाहर आती गई दरअसल। और वो बेचैनी बहुत सारी वजहों से हो सकती है, वो अपनी पर्सनल वजहों से हो सकती है, या फिर जिस तरह का समाज आप देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत परेशान करती हैं, बहुत गुस्सा रहता है मेरे अंदर अक्सर कि सब कुछ यहाँ अच्छा हो सकता है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, या बहुत सी चीज़ें, लोग जिस तरह से इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है अपने आसपास की दुनिया से, या हम, मैं खुद भी कई बार, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ गलत एक्शन लिया है। एक बार कोई सड़क पर कि कोई एक बच्चे को मार रहा था, और मुझे लगा कि मैं नहीं रोक पाऊंगा, मैंने उसे रोका नहीं। और ये कमज़ोरी थी, मुझे नहीं लगता कि कहानी लिखकर आप व्यक्तिगत जीवन की कमज़ोरियों को, गलतियों को कंपेंसेट कर सकते हैं, पर कहानी या कविता एक्सप्रेशन देता है उसको आपका। अगर आप गिल्टी फील कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो आप कहानी में कन्फेस कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ चेंज हो, तो आप अपनी कहानी के कैरेक्टर्स में उस चेंज को दिखा सकते हैं। तो वही एक्सप्रेशन है, मुझे लगता है कि अगर वो ना हो, अगर वो अंधेरा है आपके अंदर, अगर बहुत फ्रस्ट्रेशन है, दुख है, तो वो आपके अंदर भरता जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैं कहानी से उन चीज़ों को, बेचैनियों को एक्सप्रेस करता हूँ।